निकलो निकलो जल्दी जल्दी पीछे ये सारी भाई जो मौजूद है और ये पूरी कॉलोनी में सड़क बनती हुई है लोगों ये फिक्सिट स्टैंड पे ये इन्होंने तमाशा बनाया है चोरों के लिए सड़कें बंद करते हैं प्रोटोकॉल ये आवाम परेशान है इस टाइम पे हमारी टैक्स से तुम लोग सैलरी लेते हो उन चोरों की तुम हिफाजत करते हो ये अब हम 20 करोड़ पागल है शर्म करो यार तुम लोग राहुल भाई कौन से है ये हम इस टाइम तारिक रोड में खड़े और मेरी एक आवाम से अपील है कि कम से कम ये जितने भी रोड बंद करते हैं ना ये आप लोग हिम्मत करें और रोड खुलवाएं मैं अकेला रोड खुलवा सकता हूँ तो आप लोग सब खुलवा सकते हैं मेहरबानी करें खामोश ना रहें शुक्रिया हमको शर्म नहीं आती चोर के बच्चे इधर आए शराबत आई इधर है इधर है भाई कौन आ रहा था रोड क्यों बंद की थी कौन आ रहा था हिफाजत करते हैं आप किसके गुलाम हैं आप ये बताएं आप गुलाम किसके हैं आप VIP के या हमारे हुकूमत है पाकिस्तान को टैक्स कौन देता है जो टैक्स देते हैं वो बताएगा ठीक है हम देते हैं टैक्स हम देते हैं हम यहाँ तक खाने से लेके स्विच तक भी टैक्स किस चीज का टैक्स देते हर चीज जो खरीदते हैं उस पर हम टैक्स देते हैं सवाल हर चीज पे टैक्स देते हैं पेंट पेट्रोल तनख्वाह भी हमारे टैक्स से है इनकी तनख्वाह बहुत गलत करते हैं आप लोग से मैं सदाकत भाई फिक्सिट ने एक बार फिर रोड खुलवाती क्या कहेंगे इस पे यार एक फिक्सिट का मेंबर 100 की तादाद के बराबर है लेकिन यहाँ की 100 की तादाद में अगर आवाम उठेगी तो मैं गारंटी देता हूँ ये VIP प्रोटोकॉल कराची में खत्म होगा ये पीछे देखे ट्रैफिक कितनी है पूरी रोड इन्होंने ब्लॉक की अब फिक्सिट ने रोड खुलवा दी है अब हम वापस आ रहे हैं एक दफा पहले भी रोड खुलवाई थी ना वो किसका प्रोटोकॉल था वजीर आजम का वो प्राइम मिनिस्टर का था प्रोटोकॉल और उनसे भी मेरी दरख्वास्त है अगर लोगों का दिल जीतना है ना तो कम से कम ये VIP प्रोटोकॉल बंद कर ले आप लोग इतने पानामा में आप लोगों के केस आते हैं ना तो कम से कम एक हेलीकॉप्टर खरीद ले वहां से उड़ो और जहाँ पे आपने उतरना है वहां पे उतरो ये आवाम को जलील और ख्वार मत करो प्लीज शुक्रिया